डालकर ओटीपी जनरेट करना है, फिर फॉर्म में ओटीपी डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो आपका कोरोना वायरस है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। पेशेंट अगर खांसता है, छींकता है, तो ये 6 फीट से पहले नीचे अपने वेट के हिसाब से नीचे गिर जाता है। पब्लिक को मैं यही मैसेज दूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ सैनिटाइजर, नॉट टू टच योर माउथ नोज फेस। पंचायती राज के दिन के मौके पर वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों से की बातचीत। कहा, कोरोना ने खुद एनएसआरी की दी है सीख, मजबूत पंचायत को मजबूत जमहूरियत के लिए बताया जरूरी। पीएम ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना का किया अफ्तिताह। पोर्टल से ग्राम पंचायतों की तरक्की में मिलेगी मदद। स्वामित्व योजना से दही भारत में इमलाक की तौसीख में मिलेगी मदद। कंपनियों के सीईओस पर कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक गलत फहमी को वजारत दाखिला ने किया मुस्तरद। एहलकार के कोरोना मुतासिर पाए जाने पर नहीं होगी सीईओ के खिलाफ कार्रवाई। गोवा और मणिपुर के बाद त्रिपुरा कोरोना से पाक। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 17,610। अब तक 718 हुए हैं हलाक, 4,748 अफराद हुए सेहतियाब। बरतानिया में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का इंसानी तजुर्बा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 रजाकारों को दी गई खुराक, साइंसदान अच्छे नतीजे की उम्मीद में। और दुनिया भर में कोरोना से 27 लाख अफराद मुतासिर, 1,90,000 अफराद की वबा से हुई मौत। अमेरिका में अमवात की तादाद 50,000 के करीब। नाज़रीन आदाब, खबरों के इस बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है, और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम पंचायती राज के मौके पर इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इंटीग्रेटेड पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपने तरक्याती मंसूबे तैयार करने और उसे नाफिज करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम की भी शुरुआत की, इससे इमलाक के डिजिटल नक्शा तैयार करने में मदद मिल सकेगी। ज़मीन के मालिकाना हक के मामले में भी शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोविड-19 वबा ने सभी को खुद पर इन्हिसार करने की तरगीब दी है। गांव, जिला, रियासत और फिर मुल्क सभी के लिए खुद कफील बने, इस पर गौर करना इंतहाई लाजमी है। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है, और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है, इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा।
और मरकजी हुकूमत ने वाजे किया कि अगर किसी कंपनी का कोई कारकुन कोविड-19 से मुतासिर पाया गया तो उस कंपनी के CEO के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी कारकुन के वायरस मुतासिर पाए जाने पर कारखाने को भी सील नहीं किया जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी को भेजे गए खत में कहा कि हिदायात की गलत तशहीर के जरिए मीडिया और मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स वाली कंपनियों ने कुछ गलत तासरात पेश किए हैं। इस मकतूब में दाखिला सेक्रेटरी ने 3 गलत तासरात का हवाला देते हुए मीडिया से ऐसी खबरों की तरदीद की। पहली ये कि अगर कारखाने में कोई मजदूर कोविड-19 से मुतासिर पाया जाता है तो रियासत कानून कार्रवाई करेगी और CEO को जेल में भेजा जा सकता है। दूसरी ये कि ऐसी सूरत हाल में कारखाने को 3 माह के लिए सील कर दिया जाएगा। तीसरी ये कि कवानीन की पैरवी ना करने पर फैक्ट्री को 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने इन 3 गलत फहमियों की तरदीद की है। मुल्क के कुछ अजला में कोविड-19 के नए मामला तेजी से कम हो रहे हैं। मुल्क में अब ऐसे जिलों की तादाद 12 हो गई है जहां गुज़िश्ता 28 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। अब तक ऐसे जिलों की तादाद 4 थी। इनमें जो नए जिले शामिल हुए हैं उनमें कर्नाटक का चित्रदुर्ग, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का एजोल, मगरबी और तेलंगाना का भद्रदुरी कोटागडम, यूपी का पीलीभीत, पंजाब का SBS नगर, गोवा का जुनूबी गोवा अजला हैं। याद रहे कि पिछले 14 दिनों में 23 रियासतों में और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 78 अजला में कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। और अब एक नजर डालते हैं भारत में कोरोना के मामलों पर। मुल्क में इस वक्त 17,610 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। कोरोना से 718 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। वहीं 4,748 लोग इलाज के बाद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत की कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इन्फेक्शन की चेन को तोड़ा जा सके, लिहाजा हुकूमत लोगों से लॉकडाउन के कवानीन पर अमल करने की अपील कर रही है। वहीं मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजीर मुमलिकत अश्वनी चौबे और आला हुक्काम के साथ मीटिंग की। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के पेश नज़र किए गए इकदामात का जायजा लिया और कोविड-19 के मामलात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में दीगर ममालिक के मुकाबले शरह अमवात और मरीजों की सेहतयाबी में बेहतरी है। वजीर सेहत ने बताया कि भारत के पास तकरीबन 350 सरकारी व गैर सरकारी लेबॉरटरीज मौजूद हैं। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि गैर ममालिक से खरीदी गई कोई भी खराब PPE किट वापस कर दी जाएगी। और मरकजी वजीर दफा राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जनरल ऑफिसिंग कमांडिंग से बातचीत की। वजीर दिफा ने कोविड-19 से निपटने के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। और अब बात कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। सऊदी अरब समेत कई खलीजी ममालिक में आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है। कल चांद नजर आने के बाद सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने आज से रमजान शुरू होने का ऐलान किया। इमाम काबा शेख अब्दुलरहमान अस्सुदैस ने मस्जिद हराम में रमजान के चांद का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और रमजान के दौरान इस वबा से निजात की दुआएं करें। याद रहे कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में तरावी की नमाज में आम लोगों का दाखिला रोक दिया गया है। गुज़िश्ता रात की तरावी में सिर्फ अमले के अहलकार शरीक हुए। على الإسلام والمسلمين وأن يكشف فيه هذا الوباء इस मुबारक महीने में इस वबा से निजात की दुआ करें। आज पूरी दुनिया में इससे बहरान की कैफियत है। हमारे लिए जरूरी है कि दुआ करें कि पूरी दुनिया को इससे छुटकारा मिले। इससे बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इस बार मुस्लिम ममालिक में खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। लोगों को इन हिदायत पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इकदाम जारी हैं। माहरीन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इसके फैलाव को रोका जा सकता है, इसलिए ज़्यादातर मुल्कों में लॉकडाउन है। रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखने के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने हिदायत जारी की हैं। कुछ अहम मुस्लिम ममालिक ने क्या हिदायत जारी की हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं।
सऊदी अरब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी समेत तमाम मसाजिद में इज्तिमाई इबादत पर रोक है। रमज़ान के दौरान हरमैन में आवाम के लिए नमाज तरावी नहीं हो रही है और सिर्फ स्टाफ के चंद लोग इसमें शामिल हैं। हरम में इज्तिमाई इफ्तार नहीं होगा। रमज़ान के दौरान लोग बहुत बड़ी तादाद में उम्रा करने पहुँचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से उम्रा मुअत्तल रहेगा। हरमैन में इत्तिकाफ की भी इजाज़त नहीं होगी। मिस्र में रमज़ान के दौरान रात का कर्फ्यू रहेगा ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। मिस्री वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इबादत और दूसरी तकरीबात पर रोक रहेगी। ईरान में कोरोना की वजह से नमाज जमात पर रोक है। मुल्क की ज्यारतगाहों को भी बंद रखा गया है ताकि लोग जमा न हों। रहबर आला आयतुल्ला अली खामनेई ने लोगों से कहा है कि वो रमज़ान की इबादतें घर में अंजाम दें। तुर्की में मार्च के वस्त से ही नमाज जमात पर पाबंदी है। कोरोना की वजह से मुल्क के आला मजहबी इदारे ने ऐलान किया है कि रमज़ान के दौरान नमाज जमात और इज्तिमाई तरावी पर रोक रहेगी। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो इफ्तार की दावतों का अहतमाम न करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इंडोनेशिया में मजहबी उमूर की वजारत ने ऐलान किया है कि तरावी घर में ही पढ़ी जाएगी। लोगों से कहा गया है कि वो इज्तिमाई इबादत न करें। ईद पर बाजमात नमाज न होने का भी ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत ने मोडिक नामी सालाना इनखिला पर भी रोक लगाई है। याद रहे कि रमज़ान के आखिर में लाखों लोग आबाई वतन में अपने घर वालों से मिलने के लिए शहरों से रवाना होते हैं। इसी रिवायती सफ़र को मोडिक कहा जाता है। हुकूमत ने कहा है कि इससे वबा का ख़तरा बढ़ सकता है, इसलिए इस साल इस पर रोक रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के फतवा कौंसिल ने वाज़ेह किया है कि रमज़ान में लोग घरों में रहकर इबादत करें। लोगों से कहा गया है कि वह तरावी भी घर में ही अदा करें। फतवा कौंसिल ने कोरोना के मरीजों और इसके इलाज में लगे मेडिकल अहलकारों के रोज़ा रखने से इस्तिस्ना करार दिया है। अफ्रीका के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क नाइजीरिया में रमज़ान के दौरान बड़े मजहबी इज्तिमात पर रोक रहेगी। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो रमज़ान के दौरान मजहबी और समाजी इज्तिमात ना करें। नाइजीरिया में इस्लामी उमूर की सुप्रीम कौंसिल ने रमज़ान के दौरान मस्जिद में तरावी न होने का ऐलान किया है। अलजज़ायर में कोरोना की वजह से मस्जिद में नमाज जमात पर रोक है। लोगों से कहा गया है कि वो घर पर ही इबादत करें। अलजज़ायर की फतवा कमेटी के सदर ने बताया कि रमज़ान के दौरान इबादत को नशर किया जाएगा ताकि लोग घरों में बैठकर उन्हें सुन सकें। मुल्क शाम में रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इबादत पर रोक रहेगी। सदर बशार उल असद की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क की मस्जिदों में 2 मई तक जमात नहीं होगी। बहरीन में कोरोना की वजह से मसाजिद में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई थी, जो रमज़ान के दौरान जारी रहेगी। मुल्क की मशहूर अलफतह मस्जिद में सिर्फ इमाम और 5 लोग तरावी पढ़ेंगे। अवाम के लिए तरावी टेलीविज़न से नशर होगी। ओमान में इज्तिमाई मजहबी तकरीबात पर रोक है। कोरोना से निपटने के लिए बनी ओमान की सुप्रीम कमेटी ने कहा है कि रमज़ान के दौरान मसाजिद बंद रहेंगी और इज्तिमाई तरावी नहीं होगी, सिर्फ अजान दी जाया करेगी। कतर में इज्तिमाई इबादत पर रोक रहेगी। कोरोना की वजह से मसाजिद में इफ्तार, अवामी इज्तिमात, समाजी और सकाफती या खेलकूद की सरगर्मियाँ नहीं होंगी। कुवैत में कोरोना की वजह से लगाया गया कर्फ्यू मई के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई हैं कि वो घरों में रहकर ही इबादत करें। उर्दन में रमज़ान के दौरान मस्जिद में नमाज पर पाबंदी रहेगी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वहां की हुकूमत ने राजधानी ओमान में घर से निकलने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लेने का ऐलान किया है। मराकश में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मार्च में मस्जिद बंद कर दी गई थी। वहाँ की हुकूमत ने इसमें 20 मई तक तौसी कर दी है। रमज़ान के दौरान मसाजिद में इज्तिमाई इबादत नहीं होगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को इस बार रमज़ान में ख़ास तौर पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। पूरी दुनिया की कोशिश है कि कोरोना के फैलाव की जंजीर को तोड़ दिया जाए। मालिक अश्तर, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का बुलेटिन यहीं मुकम्मल होता है। उर्दू खबरों का अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 5 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।